नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PSTJ ब्लॉग नंबर वन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यहां पर इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग का 250 वाटेज का जो अहुजा कैम्प्लीफायर होता है, जिसका मॉडल नंबर SS है, 250 DP का जो अहुजा कैम्प्लीफायर होता है 250 वाटेज का, उस एम्प्लीफायर पे हम एक साथ बॉक्स और वहाँ पे हॉर्न को किस प्रकार से कनेक्ट कर पाएंगे और उसको चला पाएंगे, उसको ऑपरेट कर पाएंगे, ताकि मेरा एम्प्लीफायर में भी कुछ प्रॉब्लम ना हो और मेरा हॉर्न भी ना जले। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक साथ बॉक्स और हॉर्न चलाने पर जल जाता है, लेकिन बट दोस्तों जलता है बट हम कैसे चला रहे हैं आप लोगों को सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सिंपली गाइस यहाँ पर मेरा सेटअप लगा है, जो 24 घंटा के लिए सेटअप लगा था, जो कि यहाँ पर पूजा हो रहा है, जो कि एकादशी बैठता है, आप लोग को मालूम भी होगा, आप लोग के घर में बैठता है, जो कि यहीं इस मनौती को पूरा करिए, यानी एकादशी यहीं जो बड़की मम्मी लगती है मेरी यहीं बैठा रही है, ठीक। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस टाइप का यहाँ पर पूजा हो रहा है, जो कि यहाँ पर एकादशी बैठ रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर आप लोग को साउंड दिखाएंगे कि कौन सा यहाँ पर साउंड हम लगाए हैं। तो सिंपली गाइस ये मेरा रहा जो 250 वाटेज का अहुजा कंपनी का, आप लोग देख सकते हैं इसी वाले मशीन पर हम लोग यहाँ पे 400 वाटेज का टॉप चला रहे हैं और यहाँ पे दो हॉर्न चला रहे हैं। आप लोग सुन के चौंक जाइएगा, 250 वाटेज के एम्पलीफायर पर इतना कुछ कैसे हम चला रहे हैं। तो सिंपली गाइस आप लोग यहाँ पर इसका कनेक्शन हम दिखाएँगे कैसे कनेक्शन किए हैं। तो यहाँ पर ये 6 माइक वाला ये जो मशीन हो गया, और यहाँ पर इसका कनेक्शन आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को मालूम है कि जो रेड वाला हो जाता है वो हॉर्न का होता है, और जो ब्लैक वाला सॉकेट होता है वो होता है बॉक्स का। तो आप लोग इस कंफ्यूजन में होंगे कि एक के साथ दोनों कैसे मैं चला रहा हूँ। तो सिंपली गाइस यहाँ पर मैंने कुछ अपना लगाड़ लगाए हैं कि यहाँ पर हॉर्न के लिए इस एक डायोड लगाए हैं, ताकि मेरा हॉर्न न जले और ये मेरा बॉक्स भी चलता रहे। तो सिंपली गाइस इस टाइप से मैंने इस पर ऑपरेट कर रहा हूँ। तो चलिए आप लोग को ऊपर चल के दिखाते हैं कि बॉक्स कैसा मेरा लगा है, जो कि 12 इंची का बॉक्स है, और दोस्तों इसमें दो हॉर्न चला रहे हैं जो अहुजा कंपनी का है 40 वाटेज का, आप लोग को मालूम है। तो दोस्तों ये हो गया मेरा ये बेस, और ये हो गया ट्रेबल, और ये हो गया मिड। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पर कनेक्शन करके चला रहे हैं, यानी इतना पे चला रहे हैं। इसमें ऑक्स डाले हैं और इसमें ये 6 माइक वाला है। तो सिंपली गाइस अभी यहाँ पर शिव चर्चा भी होने वाला है, आप लोग को आगे दिखाएंगे। तो चलिए आप लोग को ऊपर दिखाएंगे कि कैसे हम कनेक्शन किया। तो सिंपली गाइस यहाँ पे मेरा वायर हो गया, जो इस वायर के थ्रू ऊपर मेरा दूताला पर जो है इस सेटअप को लगा है। तो चलिए वहाँ पर हम चल के दिखाते हैं आप लोग को कि इस मशीन पर कितना हम लोड डाले हैं। आप लोग देख कर चौंक जाइएगा कितना मशीन ये लोड ले लेता है। तो सिंपली गाइस आ गए हम अपने सेटअप के पास, जो कि यहाँ पर ये सेटअप लगा है। तो आप लोग को सारा इसका कनेक्शन और इसका वाटेज के बारे में बताने वाला हूँ कि किस, देखिए ये मेरा 12 इंची का बॉक्स हो गया, जो कि ये इसमें 200 वाटेज का एक 12 इंची का स्पीकर लगा है, और 200 वाटेज का, और यहाँ पर 80 वाटेज का HF लगा है। तो फुल कनेक्शन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो लगभग 500 है, बट 400 ही लेकर हम चलते हैं। और देखिए यहाँ पर आप लोग को हॉर्न दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप से हमने हॉर्न यहाँ पर अटैच किया है। तो सिंपली गाइस आप लोग को ये मालूम है कि अहुजा का ये 40 वाटेज का जो हॉर्न है आप लोग देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर ये बढ़ाने घटाने वाला इसको हम LMT को लगाए हैं, जो कि ओम वाला LMT नहीं है, ये वोल्ट वाला है। और दोस्तों एक हो गया ये वाला LMT, जो कि ये 40 वाट पे इसको भी हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसका वायर दोस्तों ये हो गया, जो कि ये प्लस और ये माइनस हो गया। तो एक वायर आप लोग को यहाँ पर नीचे जाएगा, जो कि बॉक्स में, जो कि मेरे एम्पलीफायर में कनेक्ट है, और इसका वायर कनेक्शन के बारे में आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसका वायर आप लोग देखिए माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। तो ये 400 वाटेज है, यानी 400 वाटेज का ये टॉप हो गया, और यहाँ पे 40 40 80, यानी 500 वाटेज तक हम लोड डाले हैं अपने एम्पलीफायर पर। तो आप लोग को मालूम होगा, चौंक जाइएगा आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि भाई 250 वाटेज के एम्पलीफायर पे बॉक्स और हॉर्न एक साथ कैसे चला रहे हैं। तो सिंपली गाइस इसका साउंड क्वालिटी हम सुनाएंगे अभी आप लोग को, यहाँ पर साउंड क्वालिटी इसका सुनाएंगे कि किस तरह से इसका साउंड क्वालिटी है। तो
तो सिंपली गाइस देखिए इसका साउंड क्वालिटी, जो कि यहाँ पर दोनों चीज़ मेरा ये चल रहा है, जो कि ये टॉप भी हो गया और यहाँ पे हॉर्न भी ये हो गया। हम यहाँ पे NCS का म्यूजिक प्ले किए ताकि मेरे में कॉपीराइट का इशू ना हो मेरे वीडियो में। तो सिंपली गाइस आप लोग इसका साउंड क्वालिटी अच्छी तरह से सुन पाए होंगे कि किस तरह का इसका साउंड क्वालिटी है, और आप लोग को बेस्ट क्वालिटी का साउंड निकल कर आ रहा है दोस्तों। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा हॉर्न क्यों नहीं जल रहा है, जबकि हम यहाँ पर बॉक्स चला रहे हैं तो मेरा हॉर्न क्यों नहीं जल रहा है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हम हॉर्न में एक डायोड लगाए हैं ताकि मेरा बेस का क्लियरिटी घटा दे और यहाँ पे हॉर्न चलता रहे, कोई क्यों नहीं उड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर दोनों चीज़ को चला रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों इसका साउंड क्वालिटी आप लोग सुन सकते हैं किस टाइप का ये बज रहा है, तो बहुत ही परफेक्ट बज रहा है दोस्तों। और यहाँ पर दो हॉर्न भी चल रहा है मेरा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक हॉर्न इधर है और एक हॉर्न इधर है, और एक यहाँ पर ये साउंड हो गया। इसका वायर दोस्तों यहाँ पर गया है, यहाँ पे कुछ खाना वाना का भी प्रोग्राम हो रहा है, जो कि एकादशी बैठा है तो गाँव घर में भोज दिया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर खाना भी बन रहा है। तो दोस्तों पूरा फुल प्रोग्राम यहाँ पर है, जो घर वाले करा रहे हैं, एकादशी बैठता है उसी में मेरा सेटअप लगा है। मैं बुकिंग है 24 घंटा का, तो आज इसका समाप्ति है। तो चलिए हम नीचे चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब हम पुनः चलेंगे एम्पलीफायर की ओर और आप लोगों को सारा वहाँ पे कनेक्शन और सब कुछ वहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे मैंने किस माइक को यूज किया है वो भी आप लोग को बताएँगे आगे चल के। तो पुनः हम चलते हैं अपने एम्पलीफायर की ओर। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए यहाँ पर। तो सिंपली गाइस आप लोग बहुत सारे कमेंट में पूछते हैं कि कौन कौन सा मैंने माइक को यूज करता हूँ अपने सेटअप में। तो देखिए नॉर्मल माइक हो गया, जो कि मेंटेक्स का बीटा 58 माइक है, इसी को हम भागवत का था या किसी भी प्रोग्राम में यूज होता है। और यहाँ पर एक अहूजा का है जो कि 100 XLR मॉडल है, और यहाँ पर एक और माइक है अहूजा का जो कि 65 XLR मॉडल है। तो दोस्तों यहाँ पर तीन माइक का ही डिमांड था, जो कि छोटा प्रोग्राम है। आप लोग को मालूम है कि यहाँ पर जो लेडीज़ लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, शिव चर्चा करती है। और सिंपली गाइस यहाँ पे माइक इस तरह से अटैच होता है मेरे में, जो कि आप लोग को एक माइक देख लेगा, अब यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन। तो यहाँ पे इस टाइप से आप लोग वॉल्यूम को रखिएगा हाफ हाफ, और अपना मास्टर को अपने हिसाब से कंट्रोल यहाँ पर कर लेना है। तो सिंपली गाइस आप लोग को दिखा दिए कि माइक भी कौन मैंने यूज कर रहा हूँ, जो कि ये माइक ये मेरा ये हो गया, जो कि 65 XLR ये अहूजा का हो गया, जो कि चाटी के लिए बहुत बेस्ट होता है। और जो ये होता है, जो दोस्तों बहुत ही ये सस्ता माइक है, जो कि आप लोगों को 450 के रेंज में मिल जाएगा। तो ये दोस्तों वोकल के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, और ये बेस के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो यहीं पर हम माइक इसका यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर आप लोगों को कुछ ही देर में यहाँ पर शिव चर्चा होगा और आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर दोस्तों डीजे से रिलेटिव आपके मन में सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।